दोस्तों बरसात हो रही है और हमारे छोटे भाई यहाँ भी सांप आकर बैठ गया। ये देखिए, ये ट्विंकल स्नेक सांप है और प्रकृति ने कितना सुंदर इसको बनाया। अगर हम चाहें ऐसा कपड़ा ऐसा डिजाइन बना लें तो नहीं बना पाएंगे। अब प्रकृति ने कितना सुंदर बनाया और परवीन भाई ने हमें याद किया, हम पहुंच गए बिल्कुल एकदम। और स्वास्थ्य खराब है, परवीन भाई को गाड़ी लेके बुलाया, मैंने कहा सांप को ना तो मारना है ना मारने देना है। पकड़ ले गया, देखिए बड़ा प्यारा सांप है और ऐसा लगता है कि जैसे हमारे परिवार का हमारे घर का ही होगा। सांपों से आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, सांप की सोचता एक स्वाट को दे, वन विभाग को दे, हमें दे। देखिए ये घर में कॉकरोच, मेंढक या अन्य कीड़े पतंगे खाने के लिए आ जाता है, बाकी कहता कुछ नहीं है किसी को, हमें नहीं कहता, आपको कुछ नहीं कहता। देखिए बड़ा अच्छा सांप है, करीब 3-3.5 फुट का है, काफ़ी लंबा है। सुनील, सुनील कुछ नहीं कहता, बहुत शरीफ सांप है, बहुत शरीफ। आज परिणय भाई भी थैले में सांप डलवाते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण भाई का, जैसे ही कॉल किए एकदम तुरंत हाजिर हो गए, ये इनका बहुत बड़ी बात है। साथियों ये वो सांप मेरे द्वारा पकड़े गए, एक ट्विंकल स्नैक है और एक कैट स्नैक है, ये हल्का झोलना है, इसमें बहुत का सांप है, दोनों को प्राकृतिक वाहन में छोड़ा जा रहा है। एक सांप तो हमने कल छोड़ा था, उस पेड़ को चढ़ गए थे, दूसरा सांप शायद नहीं किसी पेड़ पर बैठ गया, बड़ा भारी सांप था। देखिए दोनों को मैं छोड़ रहा हूँ, सामने बिल हैं, ये यहाँ घुस जाएँ कहीं घुस जाएंगे, इनको बरसात की दिक्कत नहीं होगी वरना ये भी परेशान होकर घूमते रहेंगे। ये कैट स्नैक है, ये बड़ा हराम सांप होता है, बहुत हराम सांप है, देखिए बहुत हराम सांप है। देखिए ये चल दिया, ये पेड़ पर ही रहेगा, ट्विंकल स्नैक सांप है।
यही समय होता है इसको भाई, नीचे की तरफ दूसरी दूसरी मुंह से निकाला। आई गई आई गई नीचे बैठ गया, देखो ले पकड़ लिया और भांग को हाथ में लपेट दिया। ये देखिए इधर देखो, ये काफी गुस्से में है और इसने एक या दो मेरे ख्याल से चूहा मेंढक खा रखे हैं। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, सांप की सूचना आप 108 को दें, वन विभाग को दें। हमारे दो शेर अंकित भाई और दो भाई बड़े ध्यान से लगे हुए थे। देखिए इसको मेरे द्वारा सुरक्षित पकड़ा गया है, तो अभी ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा, काटने की हमला करने की इसने भी कोशिश की थी। ये प्रकृति जो इसको पता है कि हम इसको नहीं मारेंगे, तो ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा। यदि हमारे अलावा इसको कोई पकड़ने की कोशिश करेगा तो तुरंत काट लेगा। देखिए ये जोली ग्रांड के सांप हैं और ये सूखे के सांप हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक यही होते हैं। इनके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें, क्योंकि ये इसकी उम्र भी काफ़ी है और मेरे ख्याल से मम्मी डैडी ने इसे नहला के भेजा था। पकड़ा थैले पकड़ा, तुम बहुत दिल ला रहे हो क्या थैला साथियों ये ब्रेड बुल कुछ नहीं है, सांप काटने में इतना माहिर होता है, इसको जैसे ही पकड़ेंगे वैसे ही काटना शुरू कर देगा। ये स्कूल में था, ये काटने में हाइट सांप है, एकदम से देखते हैं काटना शुरू कर देगा। तो मैं ज्यादातर पेड़ों पर मिलता है, तो मैं पेड़ पर छोड़ रहा हूँ, ये पेड़ में ही चढ़ेगा। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, सांप जो है 108 को दें, वन विभाग को दें, हमें दें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको या फिर खतरा हो। धन्यवाद। साथियों अभी 3 दिन पहले हम यहाँ सांप छोड़ने आए थे पकड़कर, तो ये काजवा उस टाइम हल्का था, रात को तबाही मचाई थी कांडू वाला में। इस सांप को भी छोटा अजगर का बच्चा है, सुबह 6:30 हमने पकड़ा था और ये भी नाले बह के आ गया था, सूखे नाले में था ही। मैं इसको उसके प्राकृतिक छोड़ रहा हूँ, शायद ये यहीं से बिछड़ा होगा अपने माँ बाप से, अब ये यहीं मिल जाएगा।
भारी बरसात और पानी घरों में घुसने के कारण ये सांप भी पहाड़ों से बह बहकर नदी के नालों के द्वारा हमारे घरों में घुस रहे हैं। आप लोगों से निवेदन, से छेड़छाड़ बिल्कुल भी ना करें। प्राकृतिक जीव इनको ये नहीं पता कि कौन इनको मारने वाला है, कौन इनको बचाने वाला है। और अधिकतर सांप ऐसे जो बिना जहर के हैं, परंतु अनजाने में ये डर के मारे उनको मारा जा रहा है, उनको मारे मत। उनके रेस्क्यू सूचना आप एक स्वाट को दें, वन विभाग को दें या हमें दें, हम समय पर पहुँचेंगे, उसको पकड़ेंगे और उसके प्रकृति में उसको छोड़ा जाएगा। आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको या आपके परिवार को या सांप को खतरा हो। और ये इसका ये कान भी कटा हुआ है, देखिए इसका फन। ये कहीं दब जाते हैं या शिकार करने के लिए निकलते हैं तो निशा तो हो जाता है। कई बार साल भर के आसपास का बच्चा है, उसके द्वारा शिकार भी किया गया है। खुद ही देखो वो है क्या। परोठा डर नहीं रहता, ले भागना पड़ेगा ना, कोशिश तो करके पड़ती है। साला बदमाश सांप है, बदमाश है। वो देख मुंह से कैसे काट रहा हूँ बेटा, कितना भयंकर मुंह रखा उसे काटने के लिए। ले अब तू भी अपना मोबाइल ऑन कर ले, बहुत बड़ा मुंह है। चल 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 चल, स्केल बैक सांप है। और इस समय पानी ज़्यादा हो रहा है खेतों में और इनके जो बिल हैं, और ये भोजन की तलाश में यहाँ आ गया था। इसे कभी किसी समय पे चोट लगी हुई, देखिए इसकी पूंछ भी टूटी हुई। काटने में बहुत माहिर है, अगर ये काट ले तो अपने दांत वाँत सब छोड़ देगा शरीर में। रात को 10:30-11 का समय है और अमित भाई ने सूचना दी, हम तुरंत वापस आ गए। ये जो है ना, ये सफाई करना है। देखो वैसे तो आपने मार दिया था इसे, जीव देखो कैसा है ये। इसको एक मार, इसको सुरक्षित पकड़ा दिया गया। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। सांप योजना 108 को दे, विभाग को दे, हमें दे। अगर पीछे यार अभी भाई चोट लगी थी। या तो इसको सांप ने खाने की कोशिश करी होगी ना, इसकी पूंछ पा जाएगी होगी, या इसकी पूंछ कटी हुई है। ना ना, सांप तो भी खाता है ना। अच्छा, ये अब मोटा दिख रहा है, उस समय मोटा नहीं लग रहा था। खोलो, चल देखना है, मैं पकड़ना बाबू। कर दिया, अरे रखो बाबू, तुम्हारा है मेहमान ये। क्या कर रहे हैं? साथियों देखिए, इंसान तो इंसान, सांप भी गर्मी से परेशान हो गया और शिकार के साथ साथ छाया में बैठने की कोशिश कर रहा है। और हमें भी परेशान होना पड़ा थोड़ा सा यहाँ आने के लिए। इस सांप को पकड़ने के लिए रास्ते से नहीं, छतों से आना पड़ा। ये देखिए काफी गुस्से में है। तुम्हारे पुराने मित्र
जोनी भाई भी दिख गया आज सांप पकड़वाने आ गए लाल दप्पड़ में। डोईवाला से करीब 12 किलोमीटर दूर और आपदाग्रस्त क्षेत्र है ये जाखंड नदी की बस्ती। यहाँ पर ही आकर बैठ गया था, इसको सुरक्षित पकड़ लिया गया। साथी देखिए कैसे काट रहा है, स्किल बैग सांप है और ये पानी बह बह के आ रहे हैं। देखिए ये देखिए देखिए एकदम से काटने में पक्के सांप है ये। कमांडो कमांडो सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। सांप जो है स्क्वाड को दे, वन विभाग को दे, हमें दे। एक छोटा बच्चा देखिए और रात इसके बाप दादा ने मेरा काट भी लिया था और काफ़ी दर्द हुआ, परंतु जहर न होने के कारण कोई दिक्कत नहीं पड़ती। ये भी 12-15 दिन के बच्चे हैं और ये सब बह बहकर ये नदी किनारा क्षेत्र में बह बहकर आ रहे हैं। शिकारी सांप है और स्किल बैग सांप है, बिना जहर का सांप है। अगर आज काट ले तो कम से कम 10 दिन इसके कांटे का दर्द होता है। आपसे निवेदन है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपसे अगर खतरा हो। सांप ये सुरक्षित पकड़ लेगा इसको, इसके प्राकृतिक वाले छोड़ देगा। स्किल बैग सांप है और इसे वन नहीं कहते हैं। ये यहाँ पर छोटे मेंढक के बच्चे कॉकरोच उनको खाने के लिए आ गया होगा और इस समय ये जोड़े में भी रहना पसंद करता है। सूचना मिली छोटी बहन के लिए कि कितनी देर में आओगे, हमने कहा भैया वन विभाग को बुला लो, हम तो अपने टाइम पे पहुँचेंगे। इसको सुरक्षित पकड़ लेगा, सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। सांप सूचना एक स्वाट को दे, वन विभाग को दे, हमें दें। ये देखिए ऐसा कोई काम ना करें, ना हमारी नकल करें, खतरा हो सकता है। साथियों ये कोबरा हमने बुजुर्ग दंपत्ति घर से पकड़ा और ये मेंढक खाकर बैठा था, तो हमने इसके प्राकृतिक छोड़ा चल दिया। चलो सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। सांप जिसने 108 को दे, वन विभाग को दे, हमें दे। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको आपके और खतरा हो। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। सावन की संक्रांति की बधाई। और ये सांप हमारे द्वारा बाउंड्री वाल से जोली ग्रांड से पकड़ा गया। अब इसको मैं इसके प्राकृतिक वाल छोड़ रहा हूँ। देखिए ये निकला 1 2 3 और गायब। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ न करें। सांप जितना 108 को दे, वन विभाग को दे, हमें दे। ऐसा कोई काम न करें जिससे आपको या आपके परिवार को खतरा हो। सनातन धर्म में इनको हमारे देवतुल्य स्थान मिला हुआ है, तो कम से कम मेरा सभी सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन है या अन्य धर्म प्रेमी जो भी हैं इनको ना मारें, क्योंकि ये सनातन धर्म में देवता का स्थान रखते हैं और आ जाते हैं घर में। प्रकृति इनकी है, ज़मीनें इनकी हैं, हम तो एक मेहमान हैं, किराएदार हैं, आज या कल नहीं रहेंगे, परंतु इन्होंने सदा जीवन इन्होंने रहना है, तो इनको रहने दें, इनको ख़त्म ना करें।